अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह एक बार फिर अपने भाई दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए नजर आए। जहां एक तरफ पूरी कांग्रेस कमलनाथ सरकार को लेकर फिक्रमंद नजर आ रही है, तो वहीं लक्ष्मण सिंह को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मण सिंह से जब हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिया कि वो किसान है और लेट नाइट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं रखते। ये मुझे पता नहीं, मैंने भी सुबह टीवी में देखा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस में रहूँगा और मैं किसान आदमी हूँ और रात को 10 बजे सो जाता हूँ। ये लेट नाइट पॉलिटिक्स ना मैंने कभी की है ना कर सकता। ये जो देर रात की राजनीति करते हैं उनसे पूछिए, मुझे कुछ नहीं। मुझे मैंने क्या आरोप लगाया है? विधायकों को तोड़ा है उन्होंने, कमलनाथ जी के विधायकों को? मुझे नहीं पता क्या आरोप। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और मैं ये मैंने कहा ना लेट नाइट पॉलिटिक्स में नहीं करता। अपने विधानसभा क्षेत्र चांचौड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर पहले से ही कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले लक्ष्मण सिंह अब कमलनाथ की सद्बुद्धि के लिए गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करने वाले हैं। लक्ष्मण सिंह के माने तो सीएम कमलनाथ इस मामले पर वादा खिलाफी कर रहे हैं। जी हाँ, जा रहे हैं चांचौड़ा को जिला बनवाने के लिए। गिरिराज जी में हम प्रार्थना करेंगे जल्दी जिला बने, मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आए कि उन्होंने एक बार जो कह दिया है उससे पलटते क्यों हैं। जनता के बीच में कहा है, कैमरे में कहा है, ऐसे करेंगे जनता क्यों विश्वास करेगी? और फिर जनता नहीं करेगी तो विधायक भी तुम्हारे काहे विश्वास करेंगे? आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार को कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह कई बार कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, लक्ष्मण सिंह अपने भाई दिग्विजय सिंह का भी घेराव कर चुके हैं। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।